कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम चैप्टर 4 का ग्रामर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और इसके क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल चुके हैं। आज हम इसका जो ग्रामर है, भाषा ज्ञान का जो भाग है, उससे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा ज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, इन शब्दों के लिए कविता में से ही दूसरा उपयुक्त शब्द खोजो और लिखो। हमें क्या करना है कि ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनके लिए हमें कविता से ही, कविता में जो शब्द आए हैं उनमें से ही दूसरा उपयुक्त शब्द चुनकर लिखना है। इनके जो समानार्थक शब्द है वो हमें कविता से ही ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला शब्द जो है सूर्य। सूर्य के आपके बुक में पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सूरज। सूर्य के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया गया है? सूरज। ठीक उसी प्रकार देखिए आगे, अंधकार। अंधकार के लिए क्या लिख सकते हैं हम? कविता में एक वर्ड आया था अंधकार के लिए, अंधियारा, आपको याद होगा। तो अंधकार के लिए हम यहाँ पे अंधियारा लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए सरिताएं। सरिताएं के लिए हम क्या लिख सकते हैं? नदियां। ठीक है, फिर देखिए सुमन। सुमन के लिए फूल। ये सारे शब्द क्या है? कविता में आए हुए हैं। आगे देखिए पेड़। पेड़ के लिए हम क्या लिख सकते हैं? वृक्ष। कुदरत। कुदरत के लिए क्या होगा? प्रकृति। हमेशा। हमेशा के लिए क्या लिखेंगे? सदा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अंबर। अंबर के लिए क्या लिख सकते हैं? आकाश। तो ये सारे शब्द जो हम इसमें लिखे हैं, ये सारे शब्द आपके कविता में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहीं से हमने ये शब्द इस जगह पे लिखा है। ठीक है, कोई भी अलग से हमने कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जो शब्द कविता में थे हमने उसी को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है कविता में से ही दूसरा उपयुक्त शब्द लिखना है, इसीलिए हमने कविता में से ही दूसरा उपयुक्त शब्द जो होगा उसको लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो नंबर देखिए, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया मीन्स वर्ब। ठीक है, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। चलना, आना, हंसना क्रियाएं हैं। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा किसी न किसी कार्य के होने का बोध होता है। चलना, आना, हंसना, इनसे हमें क्या पता चलता है कि इनसे कोई काम हो रहा है। जैसे चलना से हम क्या समझ रहे हैं कि वह चल रहा है। ठीक है, कोई आ रहा है। आना से कोई आ रहा है। हंसना, हंस रहे, हंसना भी एक कार्य ही है। वो हंस रहा है या हम हंस रहे हैं। तो इन सारे शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी ना किसी कार्य का होना का बोध हो रहा है, इसलिए सारे शब्द क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो वाक्य दिए हुए इनमें हमें सही क्रिया का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करना है। पहला वाक्य देखिए, प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं। इस झलकते को आपको पहले ही आपके बुक में लिखा हुआ है। इसी प्रकार हमें ये तीनों जो वाक्य हैं इनको पूरा करना है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, यहाँ पे खाली स्थान पे हम क्या लिखेंगे? खिले हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं, खाली स्थान पे हमें क्या लिखना होगा? उड़ते हैं। फिर आगे देखिए घ नंबर, बतख पानी में तैरती है, खाली स्थान पे क्या लिखना है? तैरती है। तो ऐसे ही आपको बुक में इसको लिखना होगा खाली स्थान पे। यहाँ पे जो जो मैंने जो क्रिया का प्रयोग किया है आपको भी अपने बुक में इन्हीं सब को लिखना है। ठीक है, आगे देखिए तीन नंबर, कविता में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्द चुनकर लिखो। कविता में जो कविता हमने पढ़ा है उसमें जो अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द आए हैं हमको वही शब्द यहाँ पे चुन के लिखना है। पहला शब्द अनुस्वार वाला लिखा है रंग, दूसरा शब्द हम क्या लिखेंगे? चंदा। ये शब्द कविता में आए हुए हैं। फिर सुंदर, और तीसरा शब्द क्या लिखा हमने? बिरंगे। रंग बिरंगे था ना, तो वही ये सारे रंग यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने ये
बिरंगे यहाँ पे लिखा। तो ये सारे अनुस्वार वाले शब्द आपकी कविता में आए हुए हैं। ये बहुत ही इजी है, आप खुद भी कर सकते हो इसे। फिर उसी प्रकार अनुनासिक देखिए, ऊंचे पहले से आपके बुक में लिखा हुआ है, अंधियारा, अंधियारा में भी अनुनासिक का प्रयोग होता है, तो अंधियारा। नदियाँ, गूंज, ये तीनों शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, और ये सारे तीनों शब्द आपकी कविता में भी इनका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा PT 1 का तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप सभी तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और उसके जितने भी व्याकरण है बुक के उनको भी अच्छे से पढ़िए, उनको समझिए, और जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया आप भी अपने बुक में ठीक उसी प्रकार करिए। थैंक यू।